गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्रद्धा। चलिए देखते हैं आज का बाजार का हाल। आज SGX निफ्टी की तरफ से डोमेस्टिक मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। SGX निफ्टी 15,825 लेवल्स पर यानी 11 पॉइंट्स नीचे है। कल नैसडैक में आई तेजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट एशियन मार्केट्स में दिख रहा है। ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये देख लेते हैं। निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी को 15,650 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 15,850 रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी को 34,500 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 35,400 रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंट्राडे ट्रेडर्स, आज कैश इंट्राडे में आप CDSL बाई कर सकते हो बिटवीन 995 टू 998 के बीच। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 985 पर, टारगेट रख सकते हो 1005 पर। डेरिवेटिव फ्यूचर कॉल इंट्राडे में आप गोदरेज CP फ्यूचर बाई कर सकते हो एट 924 रुपीज़। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 920 पर, टारगेट रख सकते हो 929 पर। डेरिवेटिव ऑप्शन कॉल इंट्राडे में बजाज फिनेंस 6200 CE बाई कर सकते हो एट 190 रुपीज़। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 165 रुपीज़ पर, टारगेट रख सकते हो 215 रुपीज़ पर। हमने 14 जून को इंट्राडे कॉल में एल्कम और डेरिवेटिव फ्यूचर कॉल में जिंदाल स्टील फ्यूचर का टारगेट हिट कर लिया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज के स्टॉक एंड न्यूज़ देखते हैं। वाटेक वाबा, वेलियात ओन्ड इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और EQ इंडिया फंड ने 10 जून को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू वाटेक वाबाग में 7.64 लाख से भी ज़्यादा इक्विटी शेयर्स या 1.23% की हिस्सेदारी बेची, लेकिन उसके लिए उन्होंने शेयर होल्डिंग को 1.87% से घटाकर 0.64% कर दिया। रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन ने हाई रिकॉर्ड को टच किया है, जिसमें CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन है, मई 2021 में 6.3% से बढ़ा, जो कि 6 महीने का हाईएस्ट माना जाता है। CPI ने RBI के टारगेटेड बैंड को 2-6% के करीब क्रॉस किया। इन्फ्लेशन रेट अप्रैल में 4.23% था, जबकि फूड इन्फ्लेशन 2% से 5% पर चला गया। WPI की बात करें यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो मई 2021 में 12.94% के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। अप्रैल में 10.49% था और मेनली क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़त के कारण था। एक और रीज़न ये भी है कि मई 2020 में लो बेस इफेक्ट -3.37% था। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले US मार्केट की। US मार्केट्स डाउ जोन्स के साथ मिक्स्ड में बंद हुए, जो 260 पॉइंट से अधिक के इंट्राडे गिरावट से 80 पॉइंट्स के गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि नैसडैक तीसरे दिन हरे रंग में बंद हुआ क्योंकि लोअर बॉन्ड यील्ड्स, टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस 16 मंथ्स हाई पर पहुंचने के बावजूद US 10 ईयर 1.49% पर ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो जापानीज निकाय की अगुवाई में एशियन मार्केट्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जो शुरुआती कारोबार में 250 पॉइंट से अधिक ऊपर था। मेटल और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने बढ़त हासिल की, जबकि बैंक्स ने एशियन मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी। मार्केट आउटलुक में फिलहाल इतना ही। मार्केट क्लोज होने के बाद हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग अपडेट को लेकर। सो डोंट मिस, जॉइन अस एट 5:30 टुडे और हमारे 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।